नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेन अहमदाबाद गुजरात से और आप सभी का हमारी चैनल हेल्थ एंड किडनी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, किडनी फेल होने के बाद दो अच्छे ऑप्शन होते हैं। पहला होता है किडनी डायलिसिस और दूसरा होता है किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन। मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि किडनी डायलिसिस से किडनी ट्रांसप्लांट करवाना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, एकदम नॉर्मल लाइफ हम जी सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ट्रांसप्लांट तो करवाना चाहते हैं, लेकिन दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो वो हमें लोग पूछते रहते हैं हमारे कमेंट्स में। तो थोड़े टाइम से एक क्वेश्चन मुझे बहुत आ रहा था, अलग अलग लोगों ने कमेंट में पूछा था। वो सवाल ये था कि ट्रांसप्लांट में ओपन सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी, ये दोनों में क्या फर्क है। तो जिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये दोनों होता क्या है, या फिर कन्फ्यूजन है कि दोनों में से कौन सा अच्छा है, तो इसके बारे में जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, दो तरह से किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होता है। पहला होता है ओपन सर्जरी, या फिर उसको कुछ लोग बोलते हैं नॉर्मल सर्जरी, और दूसरा होता है रोबोटिक सर्जरी। दोनों में फर्क क्या है? ओपन सर्जरी या फिर नॉर्मल सर्जरी में डॉक्टर खुद पेशेंट का, जो जहां पे स्किन को कट करना है, जहां पे स्किन में कट करना है, वो डॉक्टर खुद करते हैं। ठीक है, ये होता है ओपन या फिर नॉर्मल सर्जरी। खुद कट करते हैं, स्किन में कम से कम 5 या 6 इंच जितना कट आ सकता है, और वहां से फिर ऑपरेशन किया जाता है। 5 से 6 इंच जरूरत के मुताबिक थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो एक कंटिन्यूअस कट होता है, सीधा कट, जो डॉक्टर खुद अपने हाथों से करते हैं, उसको बोलते हैं ओपन सर्जरी या फिर नॉर्मल सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी में यही काम एक रोबोट करता है। रोबोट इन द सेंस एक मशीन होता है, जहां पर कैमरा लगा होता है, सेंसर लगा होता है, सोनोग्राफी की मशीन में डॉक्टर देख रहे होते हैं, वो सारी चीजें डॉक्टर की निगरानी के अंदर होता है, लेकिन करता रोबोट है, एक मशीन करता है, वो भी परफेक्ट होता है। उसमें फर्क क्या होता है? जैसे कि ओपन सर्जरी में 4 से 5 इंच जितना बड़ा जो कट होता है, उसके बदले रोबोटिक सर्जरी में काफी कम होता है, ऊपर थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा बीच में, थोड़ा सा नीचे, इतने छोटे छोटे 1-1.5 इंच के 2 या 3 कट लगेंगे और उसमें से सारा ऑपरेशन हो जाता है। दोनों ही ऑपरेशन डॉक्टर की निगरानी में होता है, बहुत ही परफेक्ट होता है, कोई भी परेशानी दोनों में से कोई भी ऑपरेशन में नहीं होती। फर्क बस यही है कि इसमें जो सिंगल कट लगता है, पूरा बड़ा कट लगता है, स्टिचेस दिखते रहते हैं ट्रांसप्लांट के बाद भी, ठीक है, और इतनी लंबाई के कम से कम 4 से 5 इंच के होंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो में मेरे स्टिचेस भी दिखाए हुए हैं। मेरे भैया का जो ऑपरेशन हुआ था, मतलब उन्होंने मुझे किडनी डोनेट की है, तो उनके जो कट्स हैं, स्टिचेस, वो भी मैंने दिखाए हैं। आप यहाँ पर ऊपर क्लिक करके उनके वीडियोस देख सकते हो, उस वीडियो में हमने दोनों के कट्स किस तरह के हैं वो दिखाया हुआ है। तो बस फर्क यही है ओपन सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में, कि ओपन सर्जरी में एक बड़ा सा कट लगता है और रोबोटिक सर्जरी में 2-3 छोटे छोटे कट लगते हैं। थोड़े से निशान तो रोबोटिक सर्जरी में भी दिखेंगे, पता तो चल जाएगा कि यहाँ पर भी यहाँ से ऑपरेशन हुआ था, और नॉर्मल सर्जरी में थोड़ा ज्यादा बड़ा कट लगता है, उससे ज्यादा ये दोनों ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही ऑपरेशन इक्वली सक्सेसफुल है, मतलब कि दोनों में सक्सेस रेशियो एकदम इक्वल है, दोनों ही डॉक्टर की निगरानी में होता है। एक दूसरा एक नॉर्मल सा फर्क है कि जिस पेशेंट को, डोनर को या पेशेंट को, मतलब हैवी बॉडी है, बहुत ज्यादा चर्बी है पेट में, बहुत मोटापा है, तो उनकी ओपन सर्जरी करने में डॉक्टर को थोड़ी सी दिक्कत आती है, तब डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि आप रोबोटिक सर्जरी करवा लो, क्योंकि उसमें अच्छे से हो पता है। जो चर्बी एक्सेस, जो फैट बढ़ जाता है इंसान का, वो ऑपरेशन के टाइम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, अगर फैट तो ऑपरेशन के टाइम थोड़ा सा डिस्टर्बेंस उसका होता है डॉक्टरों को, तो वहां पर डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि आप रोबोटिक करवा लो, रोबोटिक में शायद वो थोड़ा ईजी हो जाता होगा। उसके अलावा ऑपरेशन कौन सा अच्छा होता है या बुरा होता है, किसकी वजह से किडनी ज्यादा चलेगी कम चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोनों ही ऑपरेशन में किडनी कितनी चलेगी, वो चांसेस एक जैसे ही है, और वो आप अपनी कितनी केयर करते हो ट्रांसप्लांट के बाद, उस पर ही डिपेंड करता है। कौन सी सर्जरी करवाई है दोनों में से, उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। दोनों में ऑपरेशन का जो खर्च आता है, उसमें फर्क पड़ता है। हमारा जब ऑपरेशन हुआ था, तब ओपन सर्जरी का जो कॉस्टिंग हॉस्पिटल ने दिया था, वो था 2.5 लाख रुपए ओपन सर्जरी, यानी कि नॉर्मल सर्जरी, और अगर रोबोटिक करवाना होता तो 1 लाख रुपए ज्यादा, यानी कि 3.5 लाख रुपए का उन लोगों ने हमें कॉस्टिंग दिया था। तो मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ओपन सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में 1 लाख जितना फर्क पड़ता है। अगर प्राइवेट की बात करें तो वो फर्क बहुत ज्यादा भी हो सकता है, 2-2.5-3 लाख का फर्क हो सकता है। तो देखो, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवा रहे हो, तो सीधी सी बात है कि आपको ओपन सर्जरी करवाना चाहिए, नॉर्मल सर्जरी करवाना चाहिए। प्राइवेट में करवा रहे हो और अगर ज्यादा पैसे खर्च करना नहीं चाहते, वहां पर भी आप ओपन सर्जरी
नॉर्मल जो सर्जरी है वो करवा सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे है, आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप चाहते हो कि कम स्टिचिस में, कम कट में, ज्यादा दिखे नहीं इस तरह से मेरा ऑपरेशन हो जाए ऐसा चाहते हो, तो आप रोबोटिक सर्जरी भी करवा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं, दोनों सेफ है, दोनों एकदम बराबर है, दोनों 100% सक्सेसफुल है। तो बस इतनी सी बात मुझे इस वीडियो में बतानी थी, जैसी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है उस तरह से आपको दोनों में से कोई भी एक सर्जरी चूज करना चाहिए, और मन में कोई भी डाउट रखने की जरूरत नहीं कि ओपन में डॉक्टर खुद करेंगे तो अच्छा होगा या बुरा होगा, या फिर रोबोट्स करेंगे तो किस तरह से होगा, ऐसा कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होता है, दोनों ही ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो में बतानी थी, अगर आपको इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के ही यूजफुल वीडियोस हम इस चैनल में अपलोड करते रहते हैं, जो आपके या फिर आपके दोस्तों के रिलेटिव्स के किसी के बहुत काम में आ सकते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच।